दोस्तों, मैं हूं तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इफ समेशन ए एन इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स सच दैट समेशन mod an is a convergent series then summation an is called an absolute convergent सीरीज। ये होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। क्या कि अगर हमें कोई अल्टरनेटिव सीरीज दी है और मतलब कन्वर्जेंट है वो सीरीज, एंड अगर उसका हम हर टर्म का मॉड ले लें तो वो सीरीज भी कैसी हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए। तो हम बोलेंगे कि जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एग्जाम्पल देख लो, -1 to the power n + 1/n² ले लें, n = 1 to infinity। तो इसकी हम टर्म्स निकाल लें तो n = 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा? 1। 2 रखने पर -1/4। 3 रखने पर प्लस हो जाएगा 1/9 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पर हम क्या करें, लेबनिज टेस्ट से पहले हम टेस्ट कर लें कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो लेबनिज टेस्ट में दो कंडीशंस थी कि जो un+1 है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए un से, एंड लिमिट un है जो वो जीरो होनी चाहिए। क्लियर? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें कि जो u2 है वो लेस देन u1 है, एंड u3 है लेस देन u2 है। क्लियर? तो यहाँ पर सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो un+1 है वो लेस देन u1 आ रहा है, एंड जो ये un हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/n² टाइप, राइट? n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देन हम कह सकते हैं व्हाई लेबनिज टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज। नाउ हमें चेक करना है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो हम क्या करें, हर टर्म का यहाँ पे मॉड ले लें। ठीक है, हाँ। तो लेबनिज टेस्ट है ये तो प्रूफ होगा कि ये सीरीज कैसे कन्वर्जेंट सीरीज है, बट ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं इसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो मॉड लेंगे हम, तो हर टर्म की जब मॉड लेंगे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली तो है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या हो रहा है कि ये सारी पॉजिटिव हो गई तो ये कन्वर्जेंट है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे फिर से हम लेबनिज टेस्ट यूज करें तो ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, यानी un+1 लेस देन un तो आ ही रहा है। क्लियर? और लिमिट भी n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी। हेंस जो सीरीज है हमारी -1 to the power n+1 n² इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर? अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हो। तो जैसे ये एग्जांपल दिया, हम टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस चेक करना है कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अगर हम पहले इसका देखें ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर लेबनिज टेस्ट लगाएं, देखो तो पहले तो n = 1 करने पर 1, 2 करने पर -1/2, 3 करने पर 1/3, 4 करने पर ये आ रहा है। ठीक, ये सीरीज आ रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि u2 < u1 है, u3 < u2 है। दिस इम्प्लाइज कि जो un+1 होगा वो लेस देन un होगा, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n = 0 होता है, राइट? तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये बाई लेबनिज टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाई लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेंट। क्लियर? बट जरूरी नहीं है कि कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। क्यों? हम इसका मॉड ले लेते हैं, -1 to the power n + 1/n, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 +
वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन वी नो दैट वन बाई एन है जो सम ऑफ वन बाई एन जो होती है सीरीज वो कन्वर्जेंट नहीं होती है, क्यों? वाई पी टेस्ट है ना, p इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वन पे सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, क्लियर। यहाँ पर p क्या है, इक्वल टू वन है, p इक्वल टू वन है तो ये सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, राइट। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट की कन्वर्जेंट नहीं होगा। हाँ अल्टरनेटिव सीरीज थी ये लैग्रेंज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट थी, बट मॉड लेने पे ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्लियर। तो ये एग्जांपल है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी, क्लियर। कंडीशनली कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, ये सीरीज समीशन ए एन इज कंडीशनल कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ फर्स्ट सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, सेकेंड सीरीज ए एन इज नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो सीरीज कन्वर्जेंट तो बट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ना हो तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज कैसे कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एग्जाम्पल माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन की पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कंडीशनली कन्वर्जेंस, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वन रखने पे वन, ठीक है, टू रखने पे माइनस वन टू टू दी पावर पी प्लस, ठीक है, थ्री रखने पे माइनस फोर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगी सीरीज। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एन प्लस वन की पावर पी हमेशा ग्रेटर देन होगी एन की पावर टी से, क्लियर, ये तो क्लियर होगा। तो वन अपॉन एन प्लस वन टू की पावर टी लेस देन हो जाएगा वन अपॉन एन टू की पावर टी के, क्लियर। तो जो यानी कि यू एन प्लस वन होगा वो लेस देन यू एन के आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने कंप्लीट कर दी लैग्रेंज टेस्ट की। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि लिमिट वन अपॉन एन टू दी पावर टी इज इक्वल टू भी जीरो होगा फॉर पी ग्रेटर देन जीरो के। तो बाय लैग्रेंज टेस्ट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, कन्वर्जेंट होगी। अब हमें चेक करना है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो हम क्या करें मॉड ले लें, मॉड ले लो क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर पी इज इक्वल टू हमें क्या बन जाएगा वन अपॉन एन टू द पावर पी। तो जो सीरीज है वन अपॉन एन की पावर पी की ये कन्वर्जेंट होगी, इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ पर पी पर डिपेंड करेगा, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी तो ये कैसी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोल देंगे हम, और अगर पी लेस देन इक्वल टू वन है तो ये डाइवर्जेंट हो रही है। तो यानी कि अगर पी इफ पी ग्रेटर देन वन देन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, क्लियर। एंड इफ जो पी की वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर देन है लेस देन वन है लेस देन इक्वल वन है देन कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्लियर हो गया कि कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।